दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम किसी भी मोबाइल फ़ोन का IMEI नंबर चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए आपका फ़ोन रूटेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका फ़ोन रूटेड नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख के आप आपका फ़ोन को रूटेड कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों, आपको दो ऐप्स की ज़रूरत पड़ेगा। पहला ऐप से IMEI चेंजर प्रो। तो दोस्तों, इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया, उस लिंक पे जाकर आप बिना पैसे इस ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद हमको एक्सपोज्ड इंस्टॉलर नाम का ये ऐप्स इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन ये ऐप्स हम डायरेक्ट प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम ये ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जाकर टाइप करना पड़ेगा एक्सपोज्ड इंस्टॉलर। देखिए, मैंने टाइप किया था पहले, इसलिए मेरे पास आ गया। उस पर जाने के बाद देखिए, ऐसा एक ऐप सबको मिल जाएगा, तो इसे अब हम इंस्टॉल करेंगे। देखिए, इंस्टॉल हो रहा है, मेरा नेट बहुत फास्ट है इसलिए जल्दी हो गया। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको जस्ट इसे ओपन करना है। तो ओपन करेंगे तो हमारे पास ऐसा एक पेज आ जाएगा। देखिए, सेकेंड ऑप्शन पे दिख रहा है कि इंस्टॉल एक्सपोज्ड फ्रेमवर्क। तो हम इसे क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज आ जाएगा और डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा एक्सपोज्ड इंस्टॉलर। देखिए, डाउनलोड कंप्लीट। तो हम इसे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, तो हम इसे इंस्टॉल कर लें। तो ये देखिए, हमारे पास एक्सपोज्ड इंस्टॉलर आ गया। तो चलिए देखते हैं कैसे हम हमारा IMEI नंबर चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम इस मोबाइल फ़ोन का IMEI नंबर देखते हैं। तो इसके लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाकर अबाउट फोन पे जाकर जो स्टेटस वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद IMEI इंफॉर्मेशन, तो आपके पास IMEI इंफॉर्मेशन मतलब IMEI नंबर मिल जाएगा। तो देखिए, मेरा इस मोबाइल पे डुअल सिम है, इसलिए मुझको डुअल सिम का IMEI नंबर दिखा रहा है। तो जस्ट आपका वन सिम हो तो आपको वन सिम का IMEI नंबर दिखाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बदल जा सके। तो फर्स्ट इसके लिए आपको फर्स्ट मेनू पे जाना पड़ेगा। मेनू पे जाकर जो एक्सपोज्ड इंस्टॉल है उस पर जाना है आपको। देखिए, जाने के बाद ऐसा एक पेज आ जाएगा। अगर आप इस पेज पे नए हैं तो आपको इस फॉर्मवर्क पे रेड बटन पे कुछ लिखा देखने को मिलेगा। तो आप इस पर जाएंगे, जाकर यहाँ पर जो नीचे रिबूट का ऑप्शन है वो पर जस्ट आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको रिबूट करने का ऑप्शन दे देगा, मतलब ओके प्रेस करना है। तो मैंने एक बार रिबूट कर दिया, इसलिए मैं रिबूट नहीं कर रहा हूँ। आप इसे रिबूट कर लीजिए, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, रिबूट करने के बाद हम फिर से इस ऐप्स पे आएंगे। तो आने के बाद देखिए, ये जो मॉडल्स हैं वहाँ पर हमको जस्ट क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद देखिए, IMEI चेंजर प्रो, यहाँ पर एक छोटा टिक का ऑप्शन आपको दिख रहा है, वहाँ पर टिक करने के बाद इसको आपको ओपन करना है। ये देखिए, IMEI चेंजर का फाइल पूरा ओपन हो गया। तो देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको IMEI नॉन्ग दिखाया था वो पहले आ गया। देखिए, करेंट IMEI नॉन्ग 8665442235267999908 और न्यू IMEI नॉन्ग, मतलब ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप किसी भी IMEI नंबर को बैठा सकते हैं यहाँ पर। और जो आपका मोबाइल फ़ोन का ओरिजिनल IMEI नंबर है तो यहाँ पर दिखाएगा। देखिए, मेरा ओरिजिनल था, मैंने इससे पुट करके करंट IMEI नॉन्ग पे लाया था, इसलिए मुझे करंट अब ये दिख रहा है। तो चलिए देखते कैसे अप्लाई किया जा सके। जैसे मैं ए नंबर चॉइस किया, तो इसको करके आपको जस्ट डन पे क्लिक करना है यहाँ पर। और क्लिक करने के बाद नीचे जो देखिए अप्लाई का जो ऑप्शन है, आपको अप्लाई पे जस्ट क्लिक करना है। देखिए, बोल रहा है रिबूट टू अप्लाई सेटिंग, मतलब इस IMEI नॉन्ग आपको बिठाने के लिए आपका फोन फिर से रिबूट करना पड़ेगा। तो चलिए हम फिर से रिबूट करते हैं। तो हम रिबूट ऑप्शन में जाएंगे और फोन फिर से रिबूट करें। तो दोस्तों देखिए, मैंने इस फोन को रिबूट कर दिया। तो हम फिर से देखेंगे इस फोन का IMEI नंबर। तो इसलिए हम सेटिंग में जाएंगे, जाकर फिर से अबाउट फोन, फिर से स्टेटस और उसके बाद फिर से IMEI इंफॉर्मेशन। तो देखिए, पूरा का पूरा चेंज हो गया। तो आप देख सकते हैं, पहले मेरा
IMEI 9 8 से था, अब 6 पे हो गया, मतलब पूरा पूरा मैं जो डाला था वो चेंज होकर आ गया। तो दोस्तों आप मैं इसको शॉर्टकट पे रूल्स बता देती हूँ। देखिए अब डायरेक्ट कॉल पे जाकर डायल करना है आपको *#06#। तो एक क्लिक करने के बाद आपका डायरेक्ट IMEI नंबर दिखा देगा मोबाइल नंबर का। एक शॉर्टकट रूल से आप इसे इस्तेमाल करके आपका मोबाइल फ़ोन, मतलब किसी भी मोबाइल फ़ोन का IMEI नंबर हम देख सकते हैं। अगर दोस्तों इस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट पे बॉक्स में कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय बाय।